उमरिया जिले के चिकित्सालय में 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को रक्षा कवच प्रदान करते हुए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वही उमरिया जिले के मानपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम पठारी निवासी 98 वर्षीय बुजुर्ग बधाई यादव कोरोना जंग जीत कर जिला अस्पताल से अपने निवास स्थल के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्होंने परिजनों ने जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद ज्ञापित किया है। बुजुर्ग वृद्धा यादव दिनांक 27/4/2021 को जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में उपचार हेतु भर्ती हुए थे। वही कोरोना काल के दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत जिला चिकित्सालय के अंदर स्थित मलेरिया कार्यालय में भी टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जहाँ टीकाकरण को लेकर युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला एवं युवा सुबह 9 बजे से ही उत्साहित होकर टीकाकरण के केंद्र पहुँच और टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए अपना टीकाकरण कराया एवं जिलेवासियों से टीकाकरण कराने की युवाओं द्वारा अपील की गई है। वह चिकित्सालय में वैक्सीनेशन का कार्य ममता परस्ते, आरती शिंगो, उमेश तिवारी, लक्ष्मी बैगा एवं रुकमणी राठौर द्वारा किया गया। वही सदर संभाग के लोकप्रिय कमिश्नर राजू शर्मा, उमरिया कलेक्टर सचिव श्रीवास्तव एवं उमरिया स्वास्थ्य विभाग प्रमुख CMHO और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर PT शाक्य ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि 5 मई को 18 वर्ष से 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण कार्य प्रारंभ किया गया है। ये टीकाकरण स्लॉट में पंजीयन कराने के पश्चात ही किया जाएगा एवं अभी टीकाकरण का एक ही सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से 107 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन आवश्यक है। उन्होंने जिले के 18 वर्ष 44 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों से अपील की है कि वे स्लॉट के माध्यम से अपना पंजीयन कराते हुए टीकाकरण अवश्य कराएं एवं टीकाकरण की खुश रखें। इस उमरिया से संकट संचंदन की एक खास रिपोर्ट। वैक्सीन लगवाएं, जरूरी है सबके लिए, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है उसके लिए सबको जरूरी है लगवाना, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे हैं हम लगवाएंगे तभी तो सेफ रहेंगे ना। अगर हम नहीं लगवाएंगे तो बच्चे कैसे सेफ रहेंगे। इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि ये वैक्सीन सभी लगवा। महामारी के संक्रमण जो बढ़ते जा रहे हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। उसको देखते हुए मैंने आज वैक्सीन लगवाया सफल तरीके से और मुझे अब तक कोई दिक्कत का महसूस नहीं हुई है। मैं आप सभी से अपील करना चाहूँ कि बढ़ चढ़ कर सम्मिलित हों, इस लड़ाई में आगे बढ़ें और किसी भी तरीके की कोई भी अफवाह पर भरोसा ना करें। वैक्सीन बहुत अच्छी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के वैक्सीन। आज हमने वैक्सीन लगवाई थी कोविशील्ड और ये सक्सेसफुल है और इससे हम अपनी सुरक्षा और देश की सुरक्षा कर सकते हैं। आप सभी को भी ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसमें जो कोरोना से संक्रमित है उससे हमारा देश काफ़ी प्रभावित है। धान 90 वर्ष के हैं, वो आज यहाँ से स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। भर्ती से यहाँ कोरोना पर रिश्तेदार है दादा, जिनकी उम्र 98 वर्ष है। वो पिछले कुछ दिनों पहले कोरोना से ग्रसित हो गए थे, जिन्हें यहाँ जिला चिकित्सालय में जिनका उपचार किया गया और हॉस्पिटल स्टाफ और कुशल डॉक्टरों के कुशल मार्गदर्शन में वे आज ठीक होकर अच्छे से और अपने घर जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हॉस्पिटल स्टाफ को दूंगा कि उन्होंने, उनका प्रयास अच्छा था और उन्होंने इतने बुजुर्ग व्यक्ति को स्वस्थ कर कर उनके घर वापस भेजा। मैं आज मालिक अच्छा रहा, अच्छा होकर घर जा, अच्छा से मैं घर जा रहा हूँ। डाल जाता है खुशी से छुट्टी ज्यादा कर मालिक तो कह रहा हूँ। नमस्कार, मैंने आज कोवैक्सीन लगवाया है। आज से ही उमरिया में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है और सबसे पहले मैंने ही अपने आप को रजिस्टर्ड किया है परिवार के सदस्य के रूप में। उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई और अन्य सदस्यों का भी रजिस्ट्रेशन करवाया, जो बारी बारी से इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे और ये समय से लगवाना ज़रूरी है हम सबके लिए। देश सेंटर पहुँचने के बाद जो ज़रूरी गाइडलाइन है जो हम सबके लिए शुरू से बताया जा रहा है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। कई मित्रों ने मास्क नहीं लगाया था, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया या शायद अस्पताल परिसर के द्वारा इस चीज़ का पालन नहीं कराया जा रहा। वो कह रहे हैं जैसा चल रहा है चलने दिया जाए, लोग मानते नहीं हैं या लोग मानना नहीं चाह रहे। और आप क्या
आज के दिन मुझे कोवैक्सीन लग चुकी है, जो 18 प्लस के लिए आज सुविधा दी गई है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो आरोग्य सेतु पोर्टल के द्वारा बहुत सुविधाजनक बना दिया गया है, इसे फ्लॉट में डिवाइड किया गया है, जिससे बहुत सुविधा हो रही है नागरिकों के लिए, और इससे भीड़ और बाहर से दूर और सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू यहाँ पे वो कार्यक्रम को किया जा रहा है। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन लगवाएं, और ये काफी अच्छी है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी और आपको कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता देगी। आज से 18 वर्ष से अधिक आयु के जो युवा हैं उनका टीकाकरण सत्र प्रारंभ हो चुका है, और इसमें जिन लोगों ने अपना स्लॉट में बुकिंग कराई है उन्हीं को प्राथमिकता के तौर पर लगाया जा रहा है। आज हमें पहले स्लॉट में 100 युवाओं को लगाने का लक्ष्य मिला है, तो वो टीकाकरण हमारा प्रारंभ है। इसके साथ ही जिनको सेकंड डोज लगना है वो डोज भी हमारा सेकंड डोज जिला पर और विकास खंडों में निरंतर जारी है। अपील है कि आप इस असुविधा से बचने के लिए सार्थक पोर्टल में जाके अपना नाम, उम्र के अनुसार, आधार कार्ड के अनुसार, जन्मतिथि के अनुसार उसकी बुकिंग कराएं और असुविधा से बचें। और जिनका प्रथम डोज लगे हुए 40 दिवस हो गए तो वो लोग आकर अपना सेकंड डोज लगवाएं। बहुत ही उत्साहवर्धक है, ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा है कि उम्र दराज लोगों के लिए कोरोना काल बन के आया है, तब उन्होंने कोरोना से जीत हासिल की है और ये संदेश दिया है कि अगर कोरोना को सही समय पर ट्रैक कर लिया जाए, प्रॉपर गाइडलाइन का पालन किया जाए, दवाइयां लिया जाए, तो कोरोना से जंग जीती जा सकती है। इसलिए किसी को भी घबराने के बजाय कोरोना से ऊपर उठने का, कोरोना से स्वस्थ होकर के बाहर निकलने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन का पालन करें और दवाओं का सेवन करें, डॉक्टरों की सलाह माने, तो निश्चित रूप से वो उससे बाहर निकल आएंगे, स्वस्थ हो रहे हैं, ये बहुत उत्साहवर्धक चीज है। दूसरी ओर आज से 18 से 44 साल के लोगों के लिए टीकाकरण भी शुरू हुआ है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस तरह से इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किया गया है वो उचित नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर्स बहुत कम हैं और बहुत सारे नौजवान उसको ऑपरेट करना नहीं जानते हैं। अभी कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है तो ऑनलाइन कहीं बाहर से भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, इसलिए इसका कंपल्शन हटाना चाहिए। और जिस तरह से कोरोना के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आज उमरिया जिले में आरंभ हुआ है और लगभग 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, तो इतनी बड़ी आबादी के मान में अगर प्रतिदिन 100 लोगों को किया जाएगा तो इसमें तो बहुत समय लगेगा वैक्सीनेशन कंप्लीट होने में, इसलिए और भी दूसरे रास्ते खोलने चाहिए और तेजी से वैक्सीनेशन हो, इस तरह का सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। ये है कि जिन एरियाज में जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के लिए कलेक्टर ने आज एक टीम गठित की है और वो टीम इक्विप्ड होगी, उसके पास औषधियां और मॉनिटर करने वाले उपकरण होंगे और वो लोगों को मोटिवेट करने के साथ साथ इलाज भी प्रोवाइड करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि संक्रमण की चैन टूटे और जो लोग संक्रमित हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ होकर के बाहर आएं और वो दूसरों को संक्रमित ना करें, तो ये अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। स्नेह की उसी डोर में बंधकर मैं उमरिया जिले के आप सभी भाइयों बहनों से, सभी ग्रामीणों और नागरिकों से ये अनुरोध करता हूं कि महामारी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैंने और मेरे परिवार ने इस वैक्सीन के दोनों टीके लगवाए हैं और इसीलिए हम सुरक्षित हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, आपके प्रियजन भी सुरक्षित रहें, इसलिए चूकिए मत,
मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार के सहयोग से और उमरिया के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य मशीनरी के माध्यम से जो वैक्सीन उमरिया में कोरोना को हराने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में किल कोरोना अभियान के तहत कुछ चिन्हित गांव जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं और कुछ चिन्हित वार्ड जहां पर ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनमें विशेष दल जिसमें सीनियर अधिकारी लगाए गए हैं और जो पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर युक्त हैं ये जाकर जांच कर रहे हैं और जो भी संदिग्ध पाए जाएंगे उन सबका हम लोग टेस्ट करा के उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। अगर होम क्वारंटाइन में रहना है तो उनको किट मिल जाए दवाइयों का और अगर उनको किसी संस्था में एडमिट कराना है तो जल्दी से जल्दी एडमिट कराएं, ये हमारा प्रयास है। और इसी क्रम में मैं ये बताना चाहूंगा कि कोरोना ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। आज ही हमारे 98 साल के एक व्यक्ति को कोरोना पर विजय प्राप्त करके डिस्चार्ज किया गया है। तो ऐसा किसी को दिल में डर बिठाने की जरूरत नहीं है कि कोरोना हो गया है आगे क्या होगा। कोरोना से अगर आप सावधानी बरतते हैं तो कोरोना से आपके ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन भी प्रारंभ किया गया है। इसके उत्साहवर्धक रिजल्ट आए, लोगों ने बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन कराया है साइट पर और आज हमारे जो 100 रजिस्ट्रेशन हुए थे प्रतिदिन 100 का टारगेट है, पूरे 100 टारगेट हमारे पूरे कर लिए गए हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन चलेगा और जो 18 से 44 वर्ग के लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन कराया जाएगा। कोरोना के खतरे से उभरे नहीं है, मेरा सभी से अनुरोध है कि जो गाइडलाइन शासन ने तय की है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने तय की है उन सभी का पालन करें। अनावश्यक बाजार में ना भटके, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, सुरक्षित दूरी रखें और जो दुकानदार भाई हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि कुछ समय के लिए गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी दुकानों को बंद रखें ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, कोरोना के संक्रमण की चेन टूट जाए।